पिछले साल कोरोना के चलते जहां पर्व और त्योहारों की रौनक पर असर पड़ा था, इस बार धनतेरस और दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। पर्व को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार उत्साहित हैं। ऑनलाइन खरीदारी को लेकर बाजार पर काफी असर पड़ा है। इसके बाद भी दुकानदार धनतेरस और दीपावली को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। दुकानदारों ने प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर उपहार देने का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की दुकानें सजकर तैयार हैं और बाजार की रौनक को बढ़ा रही हैं। वहीं धनतेरस पर नए सामान, विशेष रूप से धातु का सामान खरीदने का काफी पुराना प्रचलन है। लोग आज भी इस शुभ परंपरा का निर्वाहन पूरे उत्साह के साथ करते हैं। पहले जहां आभूषण खरीदने को लोग तरजीह दिया करते थे, वहीं अब समय के साथ परिवर्तन आया है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते सभी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि कुछ लोग एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं, तो कुछ अभी खरीदारी करने का केवल मन बना रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी खरीदारी होगी। जी, धनतेरस से हम लोग मान के नहीं चलते, हम चलते हैं नवरात्रों से। तो नवरात्रों से अभी तक की सेल में हमारी ना इम्प्रूवमेंट हुई है ना डिक्रीज हुआ है। रीज़न यह है कि पहले जैसे हम 50 डिब्बे बेचते थे, अब हम भले ही 30 डिब्बे बेचें लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ गई। लोग अब बड़ा माल खरीदते हैं, 32 इंच वाले 55 इंच खरीद रहे हैं, 55 इंच वाले 65 इंच टीवी खरीद रहे हैं। तो सेल में ये फ़र्क, सेल के वॉल्यूम में फ़र्क आया है, सेल के जो पैसा है उसमें नहीं आया। और दिवाली पे जो सेल, आप धनतेरस की बात कर रहे हैं, वो अभी जब मैं आपको बताऊं, क्योंकि सैलरीज नहीं आई हैं, अभी 2-3 दिन है और हमें उम्मीद है कि सेल बहुत अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें कोई निगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है बाज़ार में। हाँ, ये है कि अभी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, और कंपनियों ने बड़े बड़े ऑफ़र्स दे दिए हैं, और एक एक कंपनी और जो फाइनेंस कंपनी है उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज़ दे दी हैं। तो उसकी वजह से लोगों को लुक्रेटिव ऑफ़र मिल रहे हैं। जो आदमी एक मुश्त पैसा नहीं दे सकता है, उसके पास 8 महीने से लेके 40 महीने तक पेमेंट करने की सुविधा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा, लेकिन अब आगे ऊपर वाला है। जैसे मुझे इसका असर जो है, ये बातें सब जो है दिवाली तक जो है हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ऑल द बेस्ट ही लगता है। सर, लग्जरी आइटम में डबल डोर फ्रिज किस तरह? उनकी डिमांड मैंने आपको बताया बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डबल डोर फ्रिज हुआ, 55 इंच के टीवी हुए, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाई डेफिनेशन के टीवी हैं, ओलेड है, हमारे जैसे ब्रांड हैं, हमारी वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रंट, सबका डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन सब जो है लोग अब हाई एंड खरीदना चाहते हैं। लक्ष्मी की आराधना और दीपोत्सव का महापर्व 4 नवंबर को है। इसको देखते हुए बाजारों में रौनक साफ दिखाई पड़ रही है। वाहन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और गारमेंट आउटलेट दुकानों पर स्टॉक पहुंच गया है। गिफ्ट आइटम, फाइनेंसिंग स्कीम और अन्य आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 और सेक्टर 22 में इलेक्ट्रॉनिक शॉप के दुकानदारों का कहना है कि इस बार लग्जरी आइटम ग्राहक ज्यादा खरीद रहे हैं। अभी तक हाई एंड LED टीवी, हाई एंड रेफ्रिजरेटर और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इनकी सेल है, प्लस डिश वॉशर के लिए भी कस्टमर आ रहा है। पिछले साल की तुलना में यदि देखा जाए तो इस साल कैसा माहौल है? देखो, उतना ही है, मतलब इसमें ना बढ़ोतरी है ना घटोतरी है। और अब जैसे कल से वीकेंड आएगा, सैलरीज वगैरह सबके डल जाएंगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले बार से कम अज़ कम 10 से 15% ऊपर जाना चाहिए। कारोबारियों की माने तो इस बार उत्पादों की कीमतों में भी करीब 10 से 15% का इजाफा हुआ है। कोरोना संकट का असर पिछले साल की तुलना में ना के बराबर है। वहीं उन्हें भी उम्मीद है कि इस दिवाली उनकी भी चांदी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।